और अब बिहार की सियासत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खुला रहता है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, लालू ने ये तक कह दिया। आपको बता दें अभी अभी भले 28 तारीख को उन्होंने पाला बदल के सरकार बना ली, लेकिन देखिए पहली बात तेजस्वी यादव ने जो सदन में भाषण दिया विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार के, और अब लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, दोनों बातें एक सी हैं। उन्होंने वहां पर डोर ओपन रखे और यहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो देखेंगे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये बड़ी बात ये भी है, देखिए दरअसल राहुल गांधी ने जो यात्रा की है बिहार में, जो न्याय यात्रा उनकी गुजरी है, उसके बाद अचानक से ये देखने को मिल रहा है आज उसके बाद, क्योंकि कल ही बिहार में थी न्याय यात्रा। और राहुल गांधी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार पर वो उस प्रकार हमलावर नहीं नजर आए हैं, तो क्या ये इसका असर है? फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? खुला ही रहता है दरवाजा, मैं क्या करूं। और अब बिहार की सियासत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खुला रहता है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, लालू ने ये तक कह दिया। आपको बता दें अभी अभी भले 28 तारीख को उन्होंने पाला बदल के सरकार बना ली, लेकिन देखिए पहली बात तेजस्वी यादव ने जो सदन में भाषण दिया विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार के, और अब लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, दोनों बातें एक सी हैं। उन्होंने वहां पर डोर ओपन रखे और यहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो देखेंगे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये बड़ी बात ये भी है, देखिए दरअसल राहुल गांधी ने जो यात्रा की है बिहार में, जो न्याय यात्रा उनकी गुजरी है, उसके बाद अचानक से ये देखने को मिल रहा है आज उसके बाद, क्योंकि कल ही बिहार में थी न्याय यात्रा। और राहुल गांधी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार पर वो उस प्रकार हमलावर नहीं नजर आए हैं, तो क्या ये इसका असर है? फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? खुला ही रहता है दरवाजा, मैं क्या करूं। और अब बिहार की सियासत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खुला रहता है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, लालू ने ये तक कह दिया। आपको बता दें अभी अभी भले 28 तारीख को उन्होंने पाला बदल के सरकार बना ली, लेकिन देखिए पहली बात तेजस्वी यादव ने जो सदन में भाषण दिया विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार के, और अब लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, दोनों बातें एक सी हैं। उन्होंने वहां पर डोर ओपन रखे और यहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो देखेंगे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये बड़ी बात ये भी है, देखिए दरअसल राहुल गांधी ने जो यात्रा की है बिहार में, जो न्याय यात्रा उनकी गुजरी है, उसके बाद अचानक से ये देखने को मिल रहा है आज उसके बाद, क्योंकि कल ही बिहार में थी न्याय यात्रा। और राहुल गांधी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार पर वो उस प्रकार हमलावर नहीं नजर आए हैं, तो क्या ये इसका असर है? फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? खुला ही रहता है दरवाजा, मैं क्या करूं।